फिफ्थ क्लास में पढ़ती है. चंडीगढ़ 42 सेक्टर स्कूल है. किड्स आर किड्स. ओके, फिफ्थ क्लास में पढ़ती है. सेंट जोसेफ. हाँ जी, फिफ्थ क्लास में. सेंट जोसेफ क्या? सेंट जोसेफ प्रेसिडियम स्कूल है उसका नाम ना. अच्छा, कर दिया उन्होंने सेंट जोसेफ प्रेसिडियम रख दिया. ओके. और सर इस स्कूल में एक तो सर जो फीस का वो बार बार भेज रहे हैं मैसेज की जो 10 अप्रैल तक आप फीस पे करो. और सर फीस के साथ साथ सर हर साल ये एनुअल फीस लेते हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं. जैसे मेरी बेटी 7 साल से पढ़ रही है, 2013 से एडमिशन हुई है इसकी. और वो हर साल हमसे 8 से 10 हजार रुपया जो एनुअल फीस लेते हैं अप्रैल के महीने. तो सर ये बाकी स्कूलों ने बंद कर दिया, जहाँ से चंडीगढ़ में ज्यादातर स्कूल है उन्होंने बंद कर दिया. ओके. और ये सर अभी भी ले रहे हैं. नहीं तो आप वहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको अपनी शिकायत लिख सकते हैं ना. या और सर ये जो आपका फोन है ये दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन है? नहीं ऐसा नहीं है. हम तो दुनिया में कहीं भी हमसे बात करता तो कोशिश करते हैं उसको जो भी गाइडेंस. वही सर, मैंने साइट तो बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे कोई नंबर नहीं आता कि जिसपे हम मैसेज कर सके, जिसपे कुछ हम कंप्लेन कर सके. नहीं चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कोई वो नहीं आता, मतलब उनकी वेबसाइट वगैरह नहीं खुलती? सर वेबसाइट तो आती है. हाँ. वेबसाइट तो आती है, चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन है. हाँ. लेकिन उनका कोई नंबर नहीं आता. नहीं चंडीगढ़ एसोसिएशन को छोड़ो ना, अगर आप स्टेट वहाँ के जो सेक्रेटरी है या चीफ सेक्रेटरी होता है वहाँ पर चंडीगढ़ में. ओके. उसको आप ईमेल भेजो ना कि भाई ये दूसरे स्कूलों में नहीं लेते तो इस स्कूल में क्यों लेते हैं ये एनुअल फीस को. वही ना सर, कॉपी आप मेरे को भेज दो. वही सर मैं आप ये, मगर मैंने आपको फोटोग्राफ सेंड करनी हो इसी स्कूल की जैसे ये फीस डिमांड कर रहे हैं. तो यही नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर भी है ये. यही है सर? हाँ यही व्हाट्सएप नंबर भी है. ओके सर, आप हेल्प कर सकते हो इसके रिगार्डिंग कोई? आप वो गाइड तो कर ही सकता हूँ ना मैं. ठीक है सर, ठीक है. हाँ गाइड तो कर ही सकता हूँ. ये बहुत भयंकर बीमारी है ये, भयंकर. वही सर, अभी इतनी फीस हर साल, अभी उन्होंने कहा है कि एनुअल फीस विद फीस है इसकी 17,000 हमने अप्रैल के महीने अभी पे करना है. मतलब एनुअल फीस जो है वो 17,000 है. हाँ विद फीस जो एनुअल फीस में आ गया. अच्छा फिफ्थ में आ गया. हाँ फीस भी ऐड कर ली उन्होंने अप्रैल मंथ की बीच में. ऐड करके मैसेज आ गया कि आपने 17,000 मैं आपको सेंड करूंगी कि ये वाली आपने 10th अप्रैल को सेंड करनी है. और सर हर साल लेते हैं ये. क्या करोगे सिस्टम है ना, उसको समझने में बहुत टाइम. अगर मेरे साथ बैठ जाओगे तो मुझे लगता है कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे आपको समझाने में. वही सर. चलो चलो सर मैं करती हूँ. अजगर का मुंह है, इसमें हाथ डालोगे तो क्या होगा समझ सकते हो. वही सर, सारे तो जानते होते हैं, सारे एक स्कूल भी जो है सभी को जानते, कोई एक्शन नहीं लेता इनके खिलाफ. व्यवस्था ऐसा, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है ना गवर्नमेंट. आपके चंडीगढ़ में तो गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे है नहीं है? सर अच्छे तो हैं गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन फिर प्राइवेट स्कूल आपको पता है बच्चों का भी होता है कि हाँ, पेरेंट्स का भी कि हाँ इनको वहीं डालना है प्राइवेट स्कूल में. मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा स्कूल बहुत अच्छा है जहाँ मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले सकता है. अब वो अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्कूल है तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में. अब ये हाँ, लेकिन नहीं सर यहाँ पे कोई नहीं करता, चंडीगढ़ में नहीं कोई करता. अच्छा चंडीगढ़ में मतलब गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं उसके बावजूद भी लोग कोई प्रेफर नहीं करता चंडीगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल को, कोई प्रेफर ही नहीं करता सर. जो पढ़ते हैं ना बच्चे वही पढ़ते हैं जो बहुत वो है, जो कम फीस नहीं दे सकते हैं या फीस नहीं दे सकते. हाँ वो पढ़ते हैं बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे हैं. हाँ काम जो लोग करते हैं मजदूर उनके बच्चे हैं बस. बाकी सर मैं फिर आपको सेंड करूँ सर, मैं फिर कहाँ पे कंप्लेन करूँ? अब एक लिखो ना चीफ सेक्रेटरी को, चेक करो चीफ सेक्रेटरी होता होगा चंडीगढ़ में. चलो ठीक है सर, मैं एक बार ट्राई करती हूँ. ओके सर, थैंक यू. और मेरे को भेज दो जो जो करते रहते हो.